गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. इसकी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपको पहले भी बता दी, जैसे कि सीरियल्स है, एनिमल हस्बेंड्री, लाइट स्टॉक, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन सबकी मीनिंग हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी. इसके अलावा मैंने आपको थ्री स्टेप्स बताए थे जिसके थ्रू हम क्रॉप्स की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. पहला स्टेप क्या था? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ओके. दूसरा था क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. एंड थर्ड स्टेप इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ये तीन स्टेप हमारे ऐसे हैं जिनको हम वन बाय वन फॉलो करते हैं और इन सभी और डिफरेंट स्पीशीज की
कैसे ला सकते हो, ये चेंज आप ला सकते हो म्यूटाजेंस की हेल्प से। म्यूटाजेंस हमारे कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरेस एक म्यूटाजेंस है जो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे क्रोमोसोम में चेंज लाने के लिए। दूसरा एक्स रे वो भी म्यूटाजेंस है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सेल्स में चेंज लाने के लिए। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो टोबैको वी कैन यूज हियर, सो इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है? सो म्यूटेजेंस फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं। तो म्यूटेजेंस वो चीज होती है, वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल जिनके लिए अगर हम लगातार एक्सपोज होते हैं तो वो हमारे सेल में चेंजेस लेके आ सकते हैं। सो दी थ्री मेथड्स, ये तीन ऐसे मेथड हैं जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करने में काम आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पहला मेथड है जिसमें हम दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करते हैं ताकि हम एक नया प्लांट क्रिएट कर सकें। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कोई ऐसा क्रॉप जो नेचुरली एक ही जगह पे ग्रो करता है